हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों सोने चांदी के धंधे से ज्यादा कमाई पोल्ट्री फार्म में है, इसके पीछे कौन से कारण है, कौन से ऐसी वजूहत है कि जिसकी वजह से आपको पोल्ट्री फार्म में कम लागत में कम समय में ज्यादा पैसा देखने को मिलता है, ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। सबसे पहला पॉइंट होता है दोस्तों, बहुत ही कम लागत लगाकर पोल्ट्री बिजनेस शुरू किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सोने चांदी का बिजनेस शुरू करना है, कपड़ों का बिजनेस शुरू करना है, हार्डवेयर का बिजनेस शुरू करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको कम से कम 15 से लेकर 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लेकर चलना होता है। लेकिन वही बात पोल्ट्री फार्मिंग में 360 में अगर आप देसी मुर्गी की पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो तो मात्र आप 5000 रुपए से लेकर 10000 रुपए लगाकर भी पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हो और बहुत ही कम दिनों में, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, जो कि सोने चांदी के धंधे में, हार्डवेयर के धंधे में पॉसिबल नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक के आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको डेली बेस पर हमारे ये वीडियो देखने को मिलेंगे। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और हार्डबुक का एक छोटा सा वीडियो नए पोल्ट्री फार्म देख लीजिए, उसके बाद हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपए में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपए में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपए ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो, और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9176114 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों, प्रॉफिट जल्दी मिल जाता है। या दोस्तों, जहाँ पर अलग अलग बिजनेस की आप बात देखते हो तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें प्रॉफिट मिलने का जो टाइम स्पैन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कोई बिजनेस में आपको 5 महीने के बाद, 10 महीने के बाद आपको प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि आप बकरियों की पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, डेयरी पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, जैसे कि आप गोट फार्मिंग के बारे में एक एग्जाम्पल लेके चलेगा, इनिशियली स्टेज पर आपको 1 साल तक के इन्वेस्टमेंट लगाकर आप प्रॉफिट के बारे में सोचना ही न होता है, मतलब इनिशियली लेवल पर आपको 1 साल तक की राहत देखना होता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल तक के भी आपको राह देखनी पड़ती है प्रॉफिट मिलने के लिए। लेकिन वही बात अगर मैं पोल्ट्री फार्मिंग की करता हूँ तो वहाँ पर जैसे आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो ब्रॉयलर की, तो मात्र 45 दिनों में आपको आपका पैसा, आपको आपका प्रॉफिट हाथों में मिल जाता है। देसी मुर्गी की पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो मात्र 3 महीने में आपको आपका पैसा और प्रॉफिट मिल जाता है। इसी के वजह से मैं कहता हूँ कि सोने चांदी के धंधे से पोल्ट्री फार्म में कमाई ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों, जितनी लागत उतनी कमाई। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने किसी बिजनेस में 1 लाख रुपये लगाए तो 1 लाख रुपये लगाने के बाद 1 लाख रुपये कमाए कर वो धंधा देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और अगर होती भी है तो बहुत ही कम ऐसे बिजनेस हैं जितनी लागत लगाओगे उतना ही प्रॉफिट आपको कमा कर देने वाले। जी हाँ दोस्तों, वही अगर हम बात पोल्ट्री फार्मिंग की अगर करते हैं, जैसे कि मान के चलेगा 1000 मुर्गियाँ आप देसी मुर्गियाँ पालते हो तो उसमें आपको 1.5 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट लगती है। जहाँ दोस्तों, चूजे का पैसा, उसके फीडिंग का पैसा, वैक्सीनेशन, मेडिसिन, लीटर, इलेक्ट्रिक बिल, सब पैसों का अगर जोड़ते हो तो 1000 मुर्गी के पीछे आपको 1.5 लाख रुपये का खर्चा आता है। वही सोनाली मुर्गी की 1000 मुर्गियाँ डालते हो, 1.5 लाख रुपये खर्चा आ गया तो आप उसको 300 रुपये किलो कम से कम में बेच सकते हो। रिटेल की अगर बात करते हो तो 350 में भी उसको बेच सकते हो, मतलब 1.5 लाख रुपये लगाई वाली मुर्गी, यानी कि 150 रुपये पर मुर्गी के पीछे आया हुआ खर्चा वाली मुर्गी आपको 300 रुपये निकाल के देती है। 150 रुपये लगाने के बाद 150 रुपये कोरा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में। तो ऐसे बिजनेस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए नए पोल्ट्री फार्मर्स को मैं बताना चाहूँगा कि इसी कारण से पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है वो बहुत ही कम समय में आपको बहुत अच्छा पैसा कमाकर देता है। 14th पॉइंट होता है दोस्तों, कचरे से पैसा कमाकर देने वाला ये एक बेहतरीन बिजनेस है। आप सभी पोल्ट्री फार्म भाइयों को या फिर आप सभी भाइयों को पता है कि ना के बराबर ऐसे बिजनेस है जो आपको कचरे से पैसा कमाकर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको कचरे से पैसा कमाकर देता है। किस तरीके से? जो होटल वेस्ट आप लाते हो, जो मार्केट से आप वेस्ट लाते हो, जो पत्ता गोभी का पाला, टमाटर या फिर अन्य कोई वेजिटेबल्स आप लाते हो मार्केट से, ये सभी के सभी पदार्थ हमारी मुर्गियाँ खाती है। बदले में वो वजन बढ़ाती है और साथ ही साथ हमें अंडा देती है, और अंडा देती है और वजन बढ़ाता है, इसका इनडायरेक्ट मतलब हमें प्रॉफिट होता है। कहाँ से? कचरे से। यह दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा बेहतरीन बिजनेस है जो आपको कचरे से भी पैसा कमा कर दे सकता है। अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, प्रॉपर नॉलेज है,
प्रॉपर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की क्षमता है तो आप पोल्ट्री फार्मिंग से एक बहुत ही अच्छी तरीके से पैसा कमा सकते हो। उसके बाद पांचवा पॉइंट होता है दोस्तों, भविष्य में पोल्ट्री की डिमांड बढ़ती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो भविष्य में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पहले के 15-20 साल के पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले जो कपड़े बनते थे वो हाथ से बनते थे, ठीक है, हाथ से बनते थे, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था, ठीक है। लेकिन अभी आज के समय में क्या होगा ना, पहले के मुकाबले अभी तो कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एज अ बिजनेस उसकी क्या ओपेसिटी कम होगी, उसकी डिमांड कम हो गई है। कपड़ों की डिमांड बढ़ गई है लेकिन काम करने की डिमांड कम हो गई है। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनियां अभी रेडीमेड कपड़े बना रही हैं। लेकिन ये बात पोल्ट्री फार्म में लागू नहीं होती है दोस्तों। भविष्य में चिकन मटन नॉनवेज खाने वाले लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, उसके साथ साथ ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि कंपनियों में मुर्गियों का मांस बनेगा, पोल्ट्री फार्मर ही अपने पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को तैयार कर सकता है। इसीलिए भविष्य में पोल्ट्री फार्मिंग की डिमांड बढ़ेगी और साथ ही साथ इनकम भी बढ़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन लेके हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल से जुड़कर प्रॉपर नॉलेज ग्रहण करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट पोल्ट्री फार्मिंग से कमाइए। छठवां पॉइंट होता है दोस्तों, रिस्क ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन कम है। देखिए दोस्तों, अगर आप बिजनेस की बात बोलते हो तो आपको रिस्क तो उठाना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा रिस्क होगी उतने ही कम समय में आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, और जहाँ पर रिस्क है वहाँ पर आपको कंपटीशन कम देखने को मिलती है। अगर आप एक इंटेलिजेंट आदमी हो, स्मार्ट आदमी हो, अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना चाहते हो, जानते हो और अच्छी तरीके से प्लान बनाकर उसको एग्जीक्यूट करना जानते हो तो पोल्ट्री फार्म का बिजनेस दोस्तों आपके लिए है। पोल्ट्री फार्म में मानता हूँ कि रिस्क है लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट के सहारे कंपटीशन कम होने के वजह से आप उसमें बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आपके एरिया में कंपटीशन में पोल्ट्री फार्मर भले ही ज़्यादा हो लेकिन 5 साल के बाद अगर आप देखोगे तो नए फार्मर्स होंगे लेकिन पुराने फार्मर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 5 साल के तजुर्बे से आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें पोल्ट्री फार्मिंग सीख जाओगे जो नया पोल्ट्री फार्मर उससे पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन आप पुराने 5 साल के एक्सपीरियंस के बलबूते पर पोल्ट्री फार्मिंग से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट उस समय पर कमा रहे होंगे। यही 6 पॉइंट है, ठीक है। इसके वजह से पोल्ट्री फार्म में बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगा के बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, दिल से वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का पोल्ट्री का नया टॉपिक लेकर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।